हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। हाँ जी सर, यूट्यूब चैनल पे कुछ भक्तों का कमेंट आ रहा है जो कि अभी अगस्त में 20 के बाद यात्रा पे जा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कल जब वो परमिट ले रहे थे तब उसमें 2,000 या 2,500 के करीब दिखा रहा था, लेकिन अभी सारी डेट का दोनों रूट पे 0,0 ही दिखा रहा है। जी तो बिल्कुल। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं क्या? नहीं नहीं बंद तो नहीं किए हैं, मैंने भी चेक किया, मेरे पास भी कॉल आया था तो वो 0-0 दिखा रहा है, लेकिन अभी वही है कि हो सकता है वेबसाइट में कोई दिक्कत हो या इनका कुछ और प्लान हो, उसके बारे में भी पता नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि 0-0 दिखा रहा है, लेकिन शाइन बोर्ड में बात नहीं हो पा रही क्योंकि संडे आज, तो कल मंडे को जैसे ही बात हो पाएगी, मैं भी हमारे टीम मेंबर भी 5-6 लोग कॉल कर रहे थे पर संडे के मारे फोन उठा नहीं रहे हैं वो लोग ना, तो जैसे ही मंडे को हमारी बात होगी हम आपको इसके बारे में कंफर्म बता देंगे कि आगे वो परमिट रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं या वेबसाइट में दिक्कत है या, पर आप परेशान मत होइए, जो भी करना चाहते हैं ऑन द स्पॉट तो होगा ही वहाँ पे, तो ऑन द स्पॉट वाला ऑप्शन अभी चल रहा है बालटाल, पहलगांव, पंथा चौक और आपका जम्मू में, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है लास्ट के हमारे कुछ वेबसाइट में कोई दिक्कत आ गई हो या कुछ और हो, वो मंडे को ही बता पाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। और यात्रा में फैसिलिटी वगैरह, जैसे जम्मू से कॉन्वॉय वगैरह चल रही है क्या पहलगाम जम्मू बालटाल से के लिए? कौन भाई का बता रहे हैं, एक भक्त ने बताया था कि 2 दिन में एक बारी जा रही है, क्योंकि इतने यात्री नहीं हो रहे हैं, रोज के 300-400 यात्री हो पा रहे हैं 2 दिन में या 600-700 यात्री, तो जैसे ही अच्छा भीड़ होती है तो 2 दिन में एक बारी जा रही है कौनवाई, तो एक दिन अच्छा वहां पे रुकना पड़ रहा है यात्रियों को, अगर रुकना ना चाहें तो सीधा अपना उधमपुर से या फिर अपने प्राइवेट गाड़ियों से या शेयरिंग गाड़ियों से अपना पहलगांव या बालटाल जा सकते हैं, कौनवाई के साथ जाना तो हो सकता है एक दिन एक्स्ट्रा लेके चले, क्योंकि वहां पे रुकना पड़ सकता है क्योंकि 2 दिन में एक बारी कौनवाई जा रही है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ जी और बाकी यात्रा रूट में सुविधाएं वगैरह? हाँ सारी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी यात्री होके आ रहे हैं, उनसे मेरी बात भी हो रही है, वीडियो भी भेजी है, मैंने कल भी दीदी से बात हुई, बहुत अच्छी यात्रा हुई, वो कह रहे हैं कि खुले में जो मजा है वो भीड़ में मजा ही नहीं है, आराम से यात्रा करो, कोई धक्का मुक्की नहीं है, कोई धूल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और जो वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं एनडीआरएफ की टीम वो भी उतनी है, आर्मी वाले भी उतने ही है, तो आपको सुविधाएं अच्छी मिल रही है उसमें। अच्छा, और मौसम वगैरह कैसा है सर यात्रा मौसम के ठीक है, लिए? मौसम में कोई दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की बारिश हुई थी 2-3 दिन पहले सुबह सुबह, मतलब बारिश तो लग रहा था कि नीचे काला हो गया था काफी सारा, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हुई है, मौसम ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक ठीक है, बाकी है सर। यात्रा से जुड़े अपडेट जो भी यात्री हमारे जा रहे हैं उनसे मेरी बात हो रही है, अगर कोई जा रहा हो तो वीडियो वगैरह या अपडेट कोई देना चाहता हो तो हमें इसी नंबर पे 9891999236 पे मैसेज कर दे तो हम अपडेट डालते रहेंगे, तो बाकी जो नए भक्त हैं उनको इससे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक है जी, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा।